Hi guys, welcome back to my channel. I am finally feeling so much better now. Please excuse my chipped nail polish. But in today's video, I wanted to do a really nice and a very glam festive makeup look. This look is inspired by the look Katrina Kaif wore for the promotion of Suryavanshi on Big Boss. I will put a picture somewhere here for your reference. It is such a beautiful and a very colorful makeup look, yet so subtle and wearable. Also, if you guys follow me on Instagram, you must have seen that I announced another giveaway, which I will be announcing in my today's video. So guys, please stay tuned till the end of this video to know the giveaway. And yeah, let's get started with today's video. And before that, if you haven't subscribed to my channel already, please do like and share my videos. And yeah, let's get started with today's video. I am going to start with my eye makeup first. Also guys, aaj ke video mein jitne bhi products main use karne wali hu, they are all from the drugstore, so it is going to be a very affordable and a very easy and a very glam makeup look. Sabse pehle I am going to prime my eyelids, and uske liye I am taking my Wet n Wild ka photo focus concealer. थोड़ा सा मैं अपने आईलिड्स पे लगा के इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी, जस्ट टू गिव इट अ नाइस एंड अ वेरी इवन बेस फॉर द आई शेडोज. तो अगर आप करीना कैफ की पिक्चर को आराम ध्यान से देखेंगे तो उसने बहुत ही प्यारा सा एक फिरोजी कलर का आई शेडो लगाया है पूरे आईलिड्स पे और आउटर कॉर्नर्स पे और आईलाइन पे. थोड़ा सा उसने एक डार्क ब्राउन कलर का आईलाइनर लगाया है. सो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज टू कार्व आउट द शेप ऑफ द आई शेडो लुक. एंड उसके लिए आई एम टेकिंग माई फ्लावर ब्यूटी का फॉर एवर वेयर आईलाइनर इन द शेड ब्राउन स्टोन. इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राउन आई लाइनर एंड बहुत ही प्यारा एक डार्क ब्राउन है, एकदम ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन नहीं है, बहुत प्यारा सा एक डार्क ब्राउन आई शेडो है, आई लाइनर है. एंड इससे आई एम गोइंग टू जस्ट लाइन अलॉन्ग विद माई अपर लैशेज, और इसी से मैं अपना आउटर एज भी कार्व आउट करने वाली हूँ. इसको थोड़ा सा आउटर पे ऐसे विंग आउट करके एंड इसको मैं अपना क्रीज में कनेक्ट कर रही हूँ टू गिव दैट ब्यूटिफुल शेप फॉर द आई शेडोज. आई एम नॉट बींग वेरी नीट विद इट क्योंकि इसको मैं पूरा अच्छे से स्मज आउट और यू नो ब्लेंड आउट कर लूँगी, तो इसको बहुत ज़्यादा नीटली करने की ज़रूरत नहीं है आपको. इसके बाद एक पेंसिल ब्रश से मैं इसको पूरे आई लाइनर को अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी, और इसी आई लाइनर को मैं थोड़ा सा अपने क्रीज में भी एक्सटेंड कर लूँगी टू गिव दैट नाइस ग्रेडियंट. ऑलवेज मेक श्योर दैट जब आप ब्लेंड आउट करें तो इसको आप अंदर की तरफ ब्लेंड आउट करें, बाहर की तरफ ब्लेंड आउट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्यूटिफुल फिरोजी कलर का आई शेडो फ्रॉम कलरपॉप. दिस इज़ अ सिंगल आई शेडो फ्रॉम कलरपॉप. विद अ फ्लैटर शेडर ब्रश लाइक दिस आई एम गोइंग टू पैक इट ऑल ओवर माई आईलिड, जस्ट लाइक वॉट कटरीना कैफ इज़ वेयरिंग इन द पिक्चर. जब आप एक कलर पैक कर रहे हो अपने आईलिड पर तो उसको हमेशा ऐसे टैप कीजिए, उसको ब्लेंड आउट करेंगे तो वो पूरा का पूरा कलर आपके अंडर आइज पर एक तो फॉल आउट हो जाएगा और उतना पंच नहीं देगा, उतना कलर नहीं देगा. इसे मैं अपने क्रीज तक लेके जा रही हूँ कलर को, क्योंकि उसका जो फिरोजी कलर था वो पूरे आईलिड पर अच्छे से पैक हो रखा था. And once I have packed on this color all over, I'm going to go back in with the brown eyeliner and I'm going to line along with my lash line once again. नेक्स्ट आउटर एजेस को थोड़ा सा दोबारा से डिफाइन करने के लिए मैं ये डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ. ये भी कलर पॉप से ही है, एक सिंगल आई शेडो. एंड I'm going to just deepen the outer edges of the eye look once again with this shade. Just जहाँ यहाँ पर हमने आईलाइनर लगाया था और उसके ऊपर ये फिरोजी कलर आ गया, उन दोनों को मिक्स करने के लिए मैं वो ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ. I'm just blending the two together. और फिर क्लीन फ्लफी ब्रश से मैं जस्ट रनिंग इट ऑल ओवर द क्रीज टू ब्लेंड एवरी थिंग टुगेदर. एंड अभी के लिए मैं अपना आई शेडो लुक यहीं पे छोड़ रही हूँ. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द बेस मेकअप, टेकिंग क्लीन वेट वाइप टू क्लीन ऑफ एनी फॉल आउट फ्रॉम द आई शेडोज एंड टू शार्पन अप द आउटर एजेस ऑफ द आई लुक. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द बेस मेकअप, सबसे पहले प्राइम करने के लिए मैं अपना मेबलिन का मास्टर प्राइम प्राइमर ले रही हूँ. एंड थोड़ा सा इसको लेके मैं अपने पूरे फेस पे इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी. And for the foundation, this is my first time using this foundation. This is the Miss Claire Everyday Foundation and I am in the shade medium buff.
मैंने इसको बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस फाउंडेशन आउट. तो या आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द कैमरा विद यू गाइस. मैंने थोड़ा सा अपने हैंड पे ले लिया है एंड पहले मैं अपने फिंगर से इसे पूरे अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट यूजिंग माई ब्यूटी स्पॉन्ज. अ रियली नाइस लाइट वेट सा फाउंडेशन है, बहुत हैवी नहीं है, बहुत थिक नहीं है, एंड इट इज़ लुकिंग मोर लाइक अ मॉइस्चराइजिंग काइंड ऑफ अ फाउंडेशन. एंड वाओ, इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इतने प्यार से ब्लेंड आउट हो रहा है एंड बिल्कुल भी मतलब ऐसे ड्राई पैचेस पे या कहीं पे क्लिंग नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो रहा है एंड लुक्स रियली नाइस. आई एम रियली लविंग द टेक्स्चर एंड यू नो द फिनिश दैट दिस फाउंडेशन इज़ गिविंग मी. बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है एंड इट इज़ जस्ट ब्लेंडिंग आउट लाइक अ ड्रीम. नेक्स्ट अप कंसीलर के लिए मैं वापस से अपने वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर में जाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू अप्लाई जस्ट ऑन माई अंडर आईज और सेंटर ऑफ द फेस पर एंड ब्लेंड आउट करने के लिए वापस से अपना ब्यूटी स्पॉन्ज ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट आउट. एंड आई एम एक्चुअली लविंग हाउ माई बेस मेकअप लुक्स राइट नाउ. बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया एंड बहुत लाइट वेट लग रहा है फेस पे. नाउ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं अपना वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस प्रेस पाउडर लेने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट टू जस्ट सेट द कंसीलर. आई एम नॉट गोइंग टू सेट द रेस्ट ऑफ माई फेस, सिर्फ अपने कंसीलर को क्रीजिंग से रोकने के लिए मैं इसको अपने अंडर आइज़ पे और सेंटर ऑफ द फेस पे ही लगाने वाली हूँ एक छोटे पाउडर ब्रश के साथ. एंड नेक्स्ट पहले मैं अपना आई मेकअप लुक ख़त्म कर लेती हूँ. कटरीना ने अपने वाटर लाइन पर कुछ भी नहीं लगा रखा है पिक्चर में. शी इज़ जस्ट वेयरिंग अ बिट ऑफ द सेम फिरोजी आई शेडो अलॉन्ग विद द लोअर लैश लाइन ऑन द इनर हाफ एंड आउटर हाफ पे उसने डार्क ब्राउन आई शेडो लगा रखा है. तो आई एम गोइंग टू जस्ट डू दैट. आई एम टेकिंग द सेम फिरोजी आई शेडो, उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन के इनर कॉर्नर पर और फर्स्ट हाफ पे साथ साथ में ब्लेंड आउट कर लूँगी. एंड आउटर कॉर्नर के लिए मैं वही सेम डार्क ब्राउन आई शेडो लेने वाली हूँ. आई वांट टू पुट इट अलोंग विद द आउटर एजेस ऑफ द लोअर लैश लाइन. आई वांट टू ऐड अ टाइनी बिट ऑफ माय मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा एंड देन आई गो इन विद अ पेयर ऑफ फॉल्सीज. And now I'm going to quickly go ahead and fill in my eyebrows and add a pair of falsies off the camera and then I'll join you back for the rest of my makeup. And I'm back. I just went ahead and added a pair of falsies and fill in my eyebrows off the camera. Now coming on to finishing off the rest of my makeup. First of all, to bronze my face, I'm taking my Milani Baked Bronzer in the shade Soleil. And I'm using it to bronze up my face. Next for the blush, I'm taking my Wet n Wild color Icon blush in the shade Mellow Wine. This is one of my absolute favorite blushes and it is a universally flattering and a beautiful, beautiful blush. And lastly for the highlighter, I'm taking my Maybelline Master Chrome highlighter in the shade Molten Gold. Now again, this also is one of my absolute favorite highlighters. I also mentioned it in my top 10 highlighters video. I'm also using it to highlight the brow bone, the inner corner of my eye and the cupid's bow. And then for her lips, she has a really nice nude and a glossy lip. So I'm going to line my lips with my NYX Suede Matte Lip Liner in the shade Leon. It's a beautiful peachy nude kind of a shade and I'm just using it to fill in my lips and to line my lips. And on top of that, I'm using my Lakme Absolute Spotlight Lip Gloss in the shade Creme Caramel. It is such a beautiful lip color. It has a nice amount of color and glossiness to it and super, super, super comfortable on the lips. Not sticky, not goopy at all. And it leaves a really beautiful and a very light tint at the end of the day and looks really nice on the lips. And I'm going to finish off the look with a plain black bindi and a pair of earrings.
एंड या गाइस दैट इज़ इट, दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड मेकअप लुक, लुक सो नाइस, वेरी ग्लैम येट वेरी सटल एंड वेरी वेयरेबल. यू कैन डेफिनेटली वेयर इट फॉर एनी फेस्टिवल और फॉर एनी वेडिंग एज वेल, एंड इट वुड लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस. एंड लेट्स गेट इन टू द गिव अवे. नाउ फॉर द गिव अवे दिस टाइम आई हैव फॉर यू गाइज माई एब्सोल्यूट फेवरेट ब्लश फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. दिस इज द वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन ब्लश इन द शेड मेलो वाइन. एंड अलॉन्ग विद दिस आई एम ऑल्सो गिविंग अवे अ मेबेलिन कलोसल मस्कारा. अलॉन्ग विद दैट आई एम गिविंग अवे दिस ब्यूटिफुल पॉटेड आई शेडो फ्रॉम रेवलॉन. दिस इज इन द शेड ग्रे. इट्स अ ब्यूटिफुल सिल्वर आई शेडो. एंड आई एम ऑल्सो गिविंग अवे द लिप ग्लॉस आई एम वेयरिंग टूडे. दिस इज द लैकमे एब्सोल्यूट Spotlight Dip Gloss in the shade Creme Caramel. Along with these, I'm also adding in a sample size of my Nude Sticks All Over Face Color Highlighter in the shade Illuminati. And I'm also adding two pairs of beautiful, beautiful, beautiful earrings for you guys. This is earring number one that I'm adding for the giveaway. And this is the other pair of earrings that I'm giving away for you guys. A lot of you guys DM me so many times to, you know, ask where I get my jewelry from. So I thought I will add some jewelry in this giveaway this time. And the rules for the giveaway will be given in the description box as always, and I will be announcing the winner 3 weeks from now. I would love for all of you guys to participate, and all the best to everybody who will be participating. And I love all of you guys who are a part of my YouTube channel, and to anybody who is new to my channel, welcome and be a part of my YouTube family. I would love to have you guys over. That is it for today's video, you guys. I hope you guys enjoy watching my videos. If you do, please like and share my videos and do subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Thank you. Bye bye.